यस शहर साहब, मैं आगे आओ साजिदा बैठ। कोई आइडिया सोचा फिर? हाँ, रात मैंने तुम्हारी बातों पर बड़ा सोचा और फिर मैंने दो प्लान बनाए। पहला प्लान ये है कि मैं एक मेडिकल स्टोर खोलता जिसमें मैं बहुत सारी अद्वियात ला कर रख दूंगा। मैंने तो मोहल्ले में दुकान भी देख ली है। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस है मेडिकल स्टोर चलाने का? नहीं, तजुर्बा तो नहीं है, मगर फिर कुछ और सोचते हैं, कोई दूसरा आइडिया? हाँ, वो दूसरा प्लान मेरा ये है कि मैं एक फैक्ट्री से बहुत सारे कपड़े खरीद लूँगा और उसकी मैं एक दुकान खोल लूँगा। आजकल लोग कपड़े बहुत खरीद रहे हैं और तुम खुद ही अपने आप को देख लो। उसको क्या हुआ, कोई गलत प्लान बनाया मैंने? नहीं, I'm sorry, प्लान गलत नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। ये सारे आइडियाज छोड़ो, मैं तुम्हें एक ऐसा आइडिया सजेस्ट करता हूँ जो कि तुम बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हो और कम वक्त में ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं एक ऐसा इंसान जिसने सड़क पर वक्त गुजार के सीखा। सड़क पर? ये जो स्टॉल्स होते हैं ना छोटे वाले, बर्गर्स फ्रेंच फ्राइज के, ये बहुत चलते हैं, इन्हें बहुत रश होता है क्योंकि कम पैसों में इंसान की भूख मिटा देते हैं और डेली मुनाफा भी हजारों में होता है। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक स्टॉल खुलवा देता हूँ और अगर तुम 4 महीनों में मुझे एक स्टॉल सक्सेसफुली चला के दिखा सकते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए 10 different लोकेशन खोल दूंगा। इन्वेस्टमेंट मेरी हो गई। 10 stalls? मतलब लाखों का प्रॉफिट? यार ये ख्याल पहले मुझे क्यों नहीं आया? लेकिन शाहजहान, ये सब काम जो है ये छोटे काम नहीं है। हर काम शुरू में छोटा ही होता है, इंसान की मेहनत लगन उसे बड़ा बना देती है। ठीक, मैं करूंगा, मैं कसम से शाहजहान, अपनी जान लड़ा दूंगा। यस, बिस्मिल्लाह करो और काम शुरू करो।